प्रकाश कह रहे जी, ये जो नया नया गढ़ा गया है, वो आवारा के समय हिंसा कितनी थी और नायक ने कितनी हिंसा की, और आज का नायक कितनी हिंसा कर रहा है कि कहीं जाकर सैकड़ों लोगों को मार डालता है और उसपे कोई दर्शक खुश हो रहे हैं। ये नया नायक के हमारे समय में गढ़ा गया है, हमारे समय का नायक बनाया जा रहा है, उसको नायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये है हमारा आदर्श, इस तरह से हमें पेश आना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें इस मामले को थोड़ा दूसरे तरीके से देखना चाहिए, और दूसरे तरीके से देखने से मेरा मतलब ये है कि थोड़ा हमें पीछे जाना चाहिए, इतिहास में जाना चाहिए। अब जहाँ तक कि यह दर्शक कौन है, तो हमेशा से सिनेमा में ऐसा हुआ है कि आमतौर पे किशोर और यूथ जो होते हैं वो दर्शकों का एक बड़ा समूह उनका होता है, और आप उसमें सिनेमा के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि जैसे राजेश खन्ना या मनोज कुमार का दौर आया था, तो या शम्मी कपूर का, तो उसमें महिला युवाओं या किशोरियों की भी संख्या थी। मैं इस जॉनर की कुछ फिल्मों का नाम लेके मैं अपनी बात कहना चाहूँगा। मैं बात शुरू करता हूँ 1935 में आई पीसी बरुआ की देवदास से। हमें मैं ये कहने शुरू करने से पहले मैं ये कहूं कि सिनेमा का जो प्रेमाइस है, उस फिल्म का जो प्रेमाइस है, उस फिल्म का जो फ्रेम है, उस फ्रेम के भीतर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए और उसके बाद हमें फ्रेम के बाहर जाना चाहिए। तो हम फिल्म के फ्रेम के अंदर रह के अगर मैं इस फिल्म एनिमल को देखूं, तो देवदास है। देवदास को चाहे जितना महिमा मंडित आप करें, चाहे उससे बहुत सारे लोग हो सकता है कि प्रभावित हों। एक बार मुझे याद है हंस के संपादकीय में राजेंद्र यादव ने लिखा था कि हर हिंदुस्तानी के भीतर एक देवदास है। वह देवदास क्या था? वह देवदास था डेकेडेंट फ्यूडलिज्म का, जो सामंतवाद का पतन हो रहा था उसकी पैदाइश वो किरदार है, और वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। बहाना कुछ भी है कि उसका पिता कैसा है, उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया, या वो लंदन से आया हुआ, वो अपने आप को डिस्प्लेस्ड महसूस कर रहा है। उस फिल्म के की आलोचना करते हुए वी शांताराम ने कहा कि आप एक गलत व्यक्ति को नायक बना रहे हैं, उन्होंने आदमी बनाई। आदमी में भी क्या होता है कि जब उस कांस्टेबल को प्रेमिका नहीं मिलती है, जो कि एक वेश्या होती है, तो वो अपने आप को अल्कोहलिज्म में, शराब में डुबो देता है। और इस तरीके की जितनी फिल्मों में आप, आगे भी मैं कुछ फिल्मों का नाम लूंगा, आप देखेंगे कि उसमें नशा है, शराब है, उसमें हिंसा है। देवदास में भी हिंसा आपको दिखेगी अगर आप बहुत डेलिकेट होकर देखेंगे तो। प्रकाश जी, मसला ये है कि वो उस हिंसा का पैमाना और इस हिंसा का पैमाना क्या है? देखिए, क्या पैमाना ये है कि देवदास और रणविजय सिंह दोनों एक हैं? क्या नहीं, देवदास और दोनों एक नहीं एनिमल? हो सकते, दोनों एक नहीं हो सकते। जी देवदास जब आ रहा है तो आपका उस समय तक दूसरा महायुद्ध भी नहीं हुआ है दुनिया में। उस समय मैं वही कह उपनिवेश रहा और साम्राज्यवाद का पूरा दौर है। उस समय बहुत सारी चीजें जो आज हम जानते हैं, कि जैसे आपने अपने इंट्रो में बोला कि मर्दवादी सोच, अब मर्दवादी सोच की आलोचना उस समय विकसित नहीं हुई है, या विकसित हो रही तो बहुत उसकी वो बहुत कमजोर है, अभी शुरू हो रही है। वो दौर यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी लोकतांत्रिक देशों में, अमेरिका और कुछ और देशों में, महिलाओं को वोटिंग के राइट्स तक नहीं है, तब ये देवदास आ रहा है, जी मतलब लगभग उसके आस पड़ोस। फिर अगर इन मैं दोनों तुलना तुलना करके देखेंगे तो क्या पाएंगे? आज के रणविजय सिंह और देवदास। देखिए, मैं तुलना इसलिए मैं नहीं करना चाहूंगा, मैं मतलब तुलना मैं दूसरे तरीके से करना चाहूंगा कि देवदास को पसंद करने वाला जो समूह है, या प्रकाश मेहरा की जो शराबी आ रही है उसके लगभग 50 साल बाद, उसके
के नायक को जो पसंद करने वाली, लास्ट में आप क्या दिखाते हैं, जो कबीर सिंह में भी लास्ट में तो हो गया ना, सुधार हो गया, वो शरीफ हो गया, वो समुद्र के किनारे अपनी बीवी और बच्चे के साथ बैठा हुआ है। कबीर सिंह में भी तो यही हो रहा है। अगर हम मैं वास्तव की बात करूं, जिसमें कि वो सामान्य एक मजदूर से गैंगस्टर बना हुआ किरदार जो है, जिसे संजय दत्त ने निभाया था और बड़ी उनकी प्रशंसा हुई थी, वो अंत में पुलिस से और गैंगस्टरों से भागते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं, अपना पिस्टल देते हैं, मुझे मुक्ति दो माँ, और वो माँ जो है उसको मार देती है। आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें कोई असामान्य बात नहीं है एनिमल में? नहीं, असामान्य तब हो सकती है कि जब हम अपने आप को ऐतिहासिक रूप से डिसलोकेट कर लें। मैं 1935 में पहुंच जाऊं, मैं 1984 में पहुंच जाऊं, मैं जो हूं इवन मैं कबीर सिंह में चला जाऊं, जो कि बहुत पुराना नहीं है, या उससे पहले जिस पे रिमेक बना है अर्जुन रेड्डी में, वहां चले जाऊं, मुझे लोकेट करना है जिसका थोड़ा ही सारा। अजय जी ने कहा कि आज के वो जॉन एलिया का शेर है ना कि रात की कौन फिक्र करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। तो पॉइंट ये है कि आप जिस लोकेशन में, आप हिटलर को विलेन बना रहे हैं, आप स्टालिन को विलेन बना रहे हैं, आप माओ को विलेन बना रहे हैं, आप और लोगों को विलेन बना रहे हैं, आप आज आपके सामने क्या हो रहा है, पहली बार दुनिया जो है एक जनसंहार को लाइव देख रही है अपने स्मार्टफोन पे, अपने टैबलेट पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने टेलीविजन के स्क्रीन पे। तो एक समय में मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या फिल्मकार की मंशा, चाहे वो कबीर सिंह, मतलब अगर हम संदीप रेड्डी की सिर्फ बात करें, क्या उसकी मंशा ये है कि वो एक एक व्यक्ति जो अपने पारिवारिक और अपने पालन पोषण और अपने सामाजिक परिदृश्य में वो उसका उसकी मानसिकता बदल जाती है, वो विकृत मानसिकता का हो जाता है, उसको वो फिल्म सेलिब्रेट कर रही है? क्या प्रकाश मेहरा शराबी में अमिताभ बच्चन के किरदार को सेलिब्रेट कर रहे थे, या पीसी बरुआ, या केएल सागल, या शाहरुख खान, या दिलीप कुमार? और लास्ट में फिल्म मेकर क्या करता है? और लास्ट पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जो हिंदुस्तान में, जैसे अगर मैं थोड़ा भटक जाऊं और मैं कहूं कि रामायण और महाभारत की कहानियां हैं जो हम कई रूपों में देखते आते हैं, रामलीला से लेके थिएटर से लेके सिनेमा तक और टेलीविजन तक, कि कहानी महत्वपूर्ण नहीं है, कहानी कैसे कही गई यह ज्यादा अहमियत रखती है बात। दूसरी चीज, क्या वेंगा की यह मंशा है कि वो सेलिब्रेट करे एक किरदार को, और अगर वो उस किरदार को सेलिब्रेट कर रहा था निर्देशक, तो कबीर सिंह को समुन्द्र तट में अपनी बच्ची के साथ क्यों दिखा रहा था अंत में? प्रकाश मेहरा अगर सेलिब्रेट कर रहे थे तो देखिए, मेलो ड्रामेटिक ट्रेडिशन में भी हमको देखना चाहिए लोगों को। ऋत्विक घटक ने इस पे बात कही है, पीटर ब्रुक्स जिनका भी देहांत हुआ, जिन्होंने 9 घंटे की लंबी महाभारत बनाई है, कि मेलो ड्रामा एक ऐसा फॉर्म है जिस फॉर्म में हम क्या करते हैं, बुराई को और अच्छाई को एक पिनेकल पे ले जाते हैं, चरम पे ले जाते हैं उसको, और फिर उनके बीच में हम संघर्ष दिखाते हैं, और आमतौर पर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि बुराई हारेगी और अच्छाई जीतेगी। तो मेरा यह कहना है कि जो लोग इस फिल्म में, मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि आप जो ये वायलेंस देख रहे हैं, ये वायलेंस सिर्फ एनिमल में नहीं है। हम तो एनिमल को, बहुत सारे लोग तो सिर्फ इस बात से कह रहे हैं ना कि अपनी माँ के साथ वो क्या बिहेवियर करता था, या लड़की के साथ क्या बिहेवियर करता था, या जब वो हिंसा करता है तो कितना करता है। आप मुझे बता, मुझे तो केजीएफ से कम हिंसात्मक ये फिल्म लगी जी, लेकिन हमने केजीएफ को सेलिब्रेट किया कि एक अंडरडॉग जो है, जो कभी एंग्री यंग मैन करता था, वो करता है और वो अपनी माँ के लिए दुनिया भर का सोना इकट्ठा कर लेता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।